आज हम बनाएंगे मटन सूप। ये बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। सिर्फ इसे आप बनने के बाद गर्मा गर्म ही पिए, तभी ये बहुत टेस्टी लगेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी एंड हेल्दी गर्मा गर्म मटन सूप। हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेखा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने 500 ग्राम मटन को थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा नमक डालकर 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। नमक और नींबू डालने से मटन की जो भी इम्प्यूरिटी है वो पूरी तरह से निकल जाती है। मटन को अच्छे से धो लेने के बाद इसका जो पानी है वो हमें पूरा हटाना है। सबसे पहले हम इस मटन को पका लेंगे। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 तेजपत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची तोड़ कर ली है, 3 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च ली। अब गैस पर कुकर रखकर 1 टेबलस्पून तेल को अच्छे से गरम करेंगे। हम सिर्फ सूप बना रहे हैं, सब्जी नहीं, तो बिल्कुल कम तेल यूज करना है, नहीं तो तेल जो है वो सूप के ऊपर तैरने लगेगा और सूप बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीएसपी जीरा और खड़े मसाले। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। अब डालेंगे 1/4 टीएसपी नमक। अब इसमें डालेंगे मटन। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन फोर्थ टीएसपी हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सिर्फ 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो सूप सीटी में से बाहर आ जाएगा। अगर आप मटन को भगोने में पकाएं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हो। अब कुकर का ढक्कन लगाकर गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 3 सीटी होने तक मटन पकाएंगे। कुकर की 3 सीटी हो गई है, अब गैस बंद करेंगे और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ कुकर को 3 ही सीटी होने दी है, फिर भी मटन अच्छे से पक गया है। मटन इजीली टूट रहा है, अच्छे से पक गया है। कभी कभी मटन पर भी डिपेंड होता है, इसलिए अच्छे से पकाने के लिए सीटी 4 से 5 भी होने देना ज़रूरी होता है। अब इस मटन सूप को गर्मा गर्म सर्व करना है। गार्निश के लिए इस पर 1 नींबू का स्लाइस और थोड़ा सा हरा धनिया रख देंगे। गर्मा गर्म मटन सूप तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।